और आप देख रहे हैं आर्सन एक्सप्रेस में आकाश ओझा। इस समय हम हिसार की महावीर कॉलोनी में स्थित करें या बात करें तो यहाँ पर जो है माँ दुर्गा जी का एक विशाल जागरण का यहाँ पर आयोजित किया गया है यहाँ पर, और आयोजन जो है रामनिवास राणा जी द्वारा यहाँ पर जो है माँ दुर्गा जी का यहाँ पर विशाल जागरण का आयोजन किया गया है। आपको यहाँ की कुछ तस्वीरें भी दिखा सकते हैं। यहाँ पर माता का कितना सुंदर सुंदर दरबार यहाँ पर सजाया गया, और लोगों की बात करें तो यहाँ पर भक्तों की बात करें तो काफ़ी संख्या में जो यहाँ पर जो है भक्त यहाँ पर उपस्थित है, और आना जाना भक्तों का स्टार्ट हो चुका है। देख सकते हैं काफ़ी संख्या में जो यह भक्त अब आने यहाँ पर स्टार्ट हो गया है। इस समय आपको लाइव तस्वीरें यहाँ की दिखा रहे हैं, और आगे भी आपको दिखाना चाहेंगे किस प्रकार का यहाँ पर माँ दुर्गा जी का यहाँ पर जागरण यहाँ आयोजित किया गया है। माता रानी का पावन जो प्रकाश करने चले हैं, माँ जगदम्बा माँ भवानी के दरबार में भागवती के चरणों में नमन करते हुए माता रानी के चरणों में बैठ गई। बड़ा प्रेम और श्रद्धा के साथ आपने समय हमारे साथ रामनिवास राणा जी उपस्थित है। इनके द्वारा समय समय पर जो है यहाँ पर विशाल जागरण का आयोजन किया जाता है। बात करें तो इनके द्वारा कोविड में भी काफ़ी लोगों की इन्होंने मदद की, और इस समय जो है विशाल जागरण का भी यहाँ पर आयोजन किया गया है। इनसे जानते हैं कि किस प्रकार जो है समय समय पर जो है जागरण का आयोजन किया जाता है, कैसा लगता है। अब माता रानी जी के नवरात्रे चल रहे हैं, और नवरात्रे हमारे तकरीबन घर में, चाहे मेरे घर से हो, मेरे बच्चे हैं, बहुएं हैं, जो भी है, हम नवरात्रे करते हैं। और नवरात्रे के उपलक्ष्य में ये जो है अपने मंदिर है श्री हनुमान मंदिर राडा कृषि फार्म महावीर कॉलोनी, ये उसी उपलक्ष्य में माता रानी का तीसरे जो जागरण है, तीसरा जो दिन है, उसका जागरण हम दुर्गा माता जी का करवा रहे हैं। इसी उपलक्ष्य में करा रहे हैं जो नवरात्रे चल रहे हैं। तो नवरात्रों में जो है हमारे अखंड ज्योत, और अखंड ज्योत तो 2001 से ही घर पे चल रही है, और 2004 से जो है हनुमान मंदिर राडा कृषि फार्म पर तीन ज्योत काफ़ी सालों से घर पर, और राडा कृषि फार्म हनुमान मंदिर में तीन दो ज्योत यहाँ चल रही है। तो ये तो रूटीन में चलता ही रहता है। और नवरात्रि अभी दो एक महीने पहले भी मोहल्ला सैनिया निसार में हमने दुर्गा माँ का जागरण करवाया था। अब ये जब नवरात्रि आ गए तो नवरात्रि में अब दोबारा फिर जागरण करवाया है। तो दुर्गा माँ मेरी इष्ट देवता है, बालाजी मेरे इष्ट देवता है। मैं सभी देवी देवताओं के चरणों में प्रणाम करता हूँ, और जो भी जितने भी जागरण में श्रद्धालु आए हैं माता के चरण में आए हैं, तो माता जी से जब मेरी प्रार्थना है, मैं माता जी के चरणों में अरदास करता हूँ कि जितने भी आप इस जागरण में आए हैं इन सभी पर आपकी कृपा दया दृष्टि बनाने रखना, और हमारे इस शहर की जनता पर भी आपकी कृपा दया दृष्टि सदाए बरसती रहे, और घर में सुख शांति हो। पूरे हिसार जिला वासियों के लिए मेरी यही कामना है। नवरात्रों का त्यौहार और माँ दुर्गा जी का जागरण, इससे शुभ अवसर नहीं हो सकता है। नहीं, सुबह सर हमने दो महीने पहले भी सैनिया मोहल्ला सैनियान में जो रामलीला चौक है वहाँ पर दुर्गा माँ जी का जागरण किया था। अब नवरात्रे चल रहे हैं, नवरात्रे एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिन होते हैं नवरात्रों में। हर एक दुर्गा माँ का एक आशीर्वाद ऐसा होता है, इसकी उपासना हम बहुत ही सुंदर ढंग से करें तो माँ दुर्गा जो है तुरंत फल देती है। ये हमारे मनोकामना भी है, और दुर्गा माँ ने हमेशा से हमारे ऊपर, मेरे परिवार पे, मेरे घर पे, हमारे राडा परिवार पे जो है देवी देवताओं का पूरा आशीर्वाद रहा है। और दुर्गा माँ का विशेष तौर पर, बालाजी का जो है विशेष तौर पर राडा परिवार पर जो है आशीर्वाद हमेशा ही बरसता रहा है। तो हम जो है इसको इष्ट देवता मानते हैं, दुर्गा माता जी को और बालाजी महाराज को। माँ दुर्गा के विशाल जागरण में जो भी आता है, खाली झोली जो भी लेके आता है वो भर के ही जाता है।
अब ये दुर्गा माँ के जो अपने यहाँ 19 भंडारे हो चुके हैं जो फरवरी में स्थापना की हुई है इस मंदिर की, तो हर साल जो है फरवरी के अंदर भंडारा होता है जो कि 18-20 हज़ार आदमियों का लंगर लगाया जाता है। तो अब की जिस तरह से माता का आशीर्वाद कृपा जिस तरह से बरसती है, आज मैं दावे से साथ कह सकता हूँ जो इस जागरण में आए हैं जो भी मनोकामना मांगेंगे दुर्गा माँ उसकी हर हालात में पूरी करेगी, ये मेरे को मेरी गारंटी है इस बात की। शहरवासी को क्या कहना चाहेंगे? शहरवासियों को ये कहेंगे बस दुर्गा माँ से यही अरदास करे किसी की बुराई बुरा ना करे, दुर्गा माँ आपे आप आपकी आपकी घर में सुख शांति प्रदान करने का काम करेगी। बस इतनी भावना रखनी है कोई कुछ करे हमने किसी की बुराई और बुरा नहीं करना, ये मन में धारणा करनी होगी। तो हिसार की जनता से भी मैं यही प्रार्थना करूँगा भाई कोई भी कुछ करे, कोई भी कुछ करता है, आप खड्डा खोदता है तो आपके लिए खोदता है, हमने उससे कोई मतलब नहीं है, हमने ये धारणा करनी है देवी देवताओं के सामने भी हम किसी की बुराई और बुरा ना करें, हम अपनी सीधी आराधना करें माता की। और नवरात्रों में खास तौर पर विशेष महत्व होता है और जो नवरात्रे करके जो नवरात्रे करता है और दुर्गा माँ से आराधना करके जो भी मन्नत मांगता है वो मन्नत हर हालत में दुर्गा माँ पूरी करती है, क्यों हमारी माँ है और हम दुर्गा माँ के बच्चे हैं, इसलिए हर का मनोकामना पूर्ण होती है। हमारे साथ भूपेंद्र गंगवा जी उपस्थित है, कांग्रेस के नेता, इनसे भी जानते हैं कि माँ दुर्गा के विशाल जागरण में आकर कैसा लगा? आज मुझे बड़ी खुशी हो रही है, माता जी के जागरण है। रामनिवास राणा जी कांग्रेस पार्टी के इशार से प्रत्याशी रहे, इनके फार्म हाउस पर है जागरण। अभी सभी हमारे नेता भी आए हुए हैं, चौधरी जगन्नाथ जी भी हैं, काफ़ी लोग आए हैं, सुनील शर्मा जी हैं, प्रवक्ता जी, तो मुझे बड़ी खुशी हुई है। अपने घर में आके बहुत बड़ी खुशी मानता हूँ और भगवान से प्रार्थना करता हूँ, माता जी से आशीर्वाद मिले हमें, माता जी सभी पे कृपा बनाए रखें और सब घर में खुशी आए। भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ कि हर घर में खुशी हो, सुख हो, शांति हो और माता जी की कृपा बनी रहे हम सब पर। धन्यवाद जी। समय हमारे साथ कांग्रेस के नेता अश्विनी शर्मा जी उपस्थित है, इनसे भी जानते हैं कि माँ दुर्गा के विशाल जागरण में आकर कैसा लगा। देखिए मैं आज जितने भी हमारे दर्शक हैं, हमारे शहरवासी, जिलावासी, प्रदेशवासी और देशवासियों को जो आज जगदम्बे माता आदि शक्ति का जो पावन पर्व नवरात्रे का जो त्यौहार है बड़े हर्षोल्लास व धूमधाम श्रद्धा के साथ पूरे देश में मनाया जा रहा है, और आज हमें भी आज नवरात्रे का तृतीय दिन है, तीसरा दिन है, और हमें भी आज माता का यहाँ दर्शन करने का और उनका आशीर्वाद प्राप्त करने का हमें मौका मिला। हम आभारी हैं आयोजकों के भी जिन्होंने हमें ये मौका प्रदान दिया, और मैं समझता हूँ कि आज के इस आपाधापी के युग में जब मनुष्य अनेक कुरीतियों से जकड़ा हुआ है, आज ऐसे आयोजनों का, धार्मिक आयोजनों का समय समय पर मैं समझता हूँ आयोजन होना चाहिए, ये समाज हित में है, इससे समाज में सौहार्दपूर्ण वातावरण, भाईचारा बढ़ता है और सद्भावना बढ़ती है। मैं एक बार पुनः हमारे सभी दर्शकों को, हमारे साथियों को, हमारे देशवासियों को इस पावन पर्व की, इस महापर्व की, आदिशक्ति के महापर्व की पुनः हार्दिक शुभकामनाएं व बधाई देता हूं। इस समय हमारे साथ रामनिवास राणा जी के बेटे रोहित राणा जी उपस्थित हैं, इनसे भी जानते हैं कि माँ दुर्गा के विशाल जागरण में इनके पिता द्वारा जो आयोजन यहाँ पर किया गया है कैसा लग रहा है सर यहाँ पे? बहुत बढ़िया लग रहा है जी, माता रानी जी का पूरा आशीर्वाद है, और आज नवरात्रों के उपलक्ष्य में तीसरे दिन आज नवरात्रे में माता रानी जी का श्री हनुमान मंदिर राड़ा कृषि फार्म में भव्य विशाल जागरण का आयोजन किया गया है, जिसमें इशार शहर के सभी हमारे प्रियवासियों को आमंत्रित किया गया। आप जैसे देख रहे हैं पूरी अपार जनसंख्या जो जागरण माता रानी जी का आशीर्वाद लेने पहुंची है, और हम माता रानी जी से इशार के सभी हमारे प्रिय एक एक वासी की स्वस्थ खुशहाल और दीर्घायु जीवन की कामना करते हैं। सभी पर माता की कृपा बनी रहे, दया दृष्टि बनी रहे। समय समय पर इस तरह के जो भंडारे भी लगाए जाते हैं और विशाल जागरण का भी आयोजन किया जाता है? बिल्कुल, हमारे जागरण
ऐसा जी, हमारे जो जिस जगह पे हम खड़े हैं यहाँ पर सन 2000 में हनुमान जी की और माता दुर्गा जी की प्राण प्रतिष्ठा करवा कर यहाँ पर स्थापना करी गई थी। उसके बाद से फरवरी के माह में हर साल यहाँ पर बहुत विशाल 50,000 से ऊपर आदमियों जनता का यहाँ पर विशाल भंडारा लगाया जाता है। बाबा की कृपा है, सब लोग खूब आनंद से यहाँ भंडारा बाबा का प्रसाद ग्रहण करने आते हैं। उसी तरीके से लगातार हमारा धार्मिक आयोजन हमारे हिसार में जगह जगह होते रहते हैं। थोड़े दिन पहले सैनियन मोहल्ले में था, आज हमारा माता जी के हैं, अगले साल हमारा विचार जो है वो अग्रसेन भवन में करने का है। तो जैसे जैसे हमारा हिसार वासियों का सहयोग हमारे साथ पूरा हमारे साथ है, उसी तरीके से हम माता रानी से पूरे सभी के हिसार के एक वासी स्वस्थ खुशहाल और दीर्घायु जीवन की मंगल शुभकामनाएं देते हैं। मैं हमारे साथ बिहारी लाल राणा जी भी उपस्थित हैं, इनसे भी जानते हैं कि माँ के विशाल जागरण में आकर इन्हें कैसा लगा सर? हाँ जी, कैसा लगा सर ये आके? बस ये तो अपना घर का प्रोग्राम है, बहुत बढ़िया है। और आज के समय में जो है ना, देवी देवता के जो भी जितना भी हम इज्जत करते हैं, उनका प्यार करते हैं, उनको याद करते हैं, उतना अच्छा होता है। क्या कहना चाहेंगे हिसार की जनता को? हिसार की जनता को जो आज हिसार में जो है ना तरह तरह के जागरण आदि हो रहे हैं, तो इससे ये लगता है कि जनता जो है धर्म की ओर बढ़ रही है। तो मेरी जनता से प्रार्थना है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है जनता में प्यार दे और अपने बुजुर्गों का आशीर्वाद लेकर उनकी अपने बुजुर्गों की इज्जत करे, इसमें ही जो है जनता की भलाई है। हमारे साथ राम निवास राणा जी, जिन्होंने हिसार के लोगों के लिए, हिसार की जनता के लिए जो है माँ दुर्गा जी से प्रार्थना की और उनकी मनोकामना पूरी करने की भी यहाँ पर प्रार्थना की और माँ दुर्गा का आशीर्वाद लिया। देखते रहिए आर्सन एक्सप्रेस में, आकाश आहूजा हिसार।